ओम शांति। हम सबको फ्रीडम अच्छा लगता है, चाहे फिजिकल फ्रीडम है, फाइनेंशियल लेवल पर फ्रीडम है, सोशल लेवल पर फ्रीडम है, बंधन नहीं अच्छा लगता। आज थोड़े समय के लिए भी हमें किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, हम बीमार हैं, किसी का सहारा लेना पड़ता है, तो भी कहते अच्छा नहीं लगता है, बोझ महसूस होता है। किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, कहते अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक टू लिव माई लाइफ ऑन चैरिटी, अपना होना चाहिए। तो डिपेंडेंसी हमें अच्छी नहीं लगती, डिपेंडेंसी हमारा संस्कार नहीं है, ये हमें बोझ का अनुभव कराता है। लेकिन इमोशनल लेवल पर कभी कभी हम बहुत डिपेंडेंट होते हैं। इमोशनल लेवल पर आप देखें, परिस्थितियाँ, दूसरे लोग हमारे ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। ज़रूरी है कि हम इमोशनल लेवल पर भी इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि फ्रीडम एक मन की स्थिति है। आज आप देखो, छोटी बातें भी हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं या प्रभाव डालती हैं, तो उसको फ्रीडम तो नहीं कहेंगे ना। कल ही एक बहन मुझे मिली, थोड़ी सी उदास दिख रही थी, तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो छोटी सी बात थी, कहा हमने 1.5 साल के बाद वेकेशन प्लान किया, लेकिन अभी उसको कैंसिल करना पड़ रहा है। मैंने कहा क्यों, कहते जो मेरा हस्बैंड है, उनके ऑफिस में जो उनका साथी है, कलीग है, वो बीमार है, तो उनको उसकी जगह पर फिल इन करना पड़ेगा, तो हम अभी वेकेशन पर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम किसी के मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें, तो कितना उस आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। तो और आपका वेकेशन कोई कैंसिल थोड़ी ना हुआ है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। कहती नहीं, पर 1.5 साल के बाद हम जा रहे थे, इतने एक्साइटेड थे, अभी तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, कैसे कैंसिल हो गया, बस मुझे जाना ही था। और हमें सोचना चाहिए, रुकना चाहिए कि हम वेकेशन पर जा रहे थे, चेंज के लिए जा रहे थे, रिलैक्सेशन के लिए जा रहे थे, कि खुशी के लिए जा रहे थे। एक है खुशी से वेकेशन पर जाना, हॉलीडे पर जाना, एक है खुशी के लिए जाना। वरना हमारी मन की स्थिति एक सीन पर डिपेंडेंट थी, और इसको तो सिचुएशन भी नहीं कहेंगे, क्राइसिस तो कह ही नहीं सकते, ये तो लाइफ की एक सीन थी। हर सीन हमारे अनुसार नहीं होती, अगर इतनी छोटी सी सीन अगर हमारे अनुसार नहीं है और हम कह रहे हैं कि मैं बहुत उदास हूँ या बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो जब कभी कभी कोई बड़ी बात आती है, और आई जाती है ना, कभी अचानक जॉब छूट गई, किसी का घर में एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, इतनी बड़ी बात भी आ जाती है कि अचानक कोई शरीर छोड़ देता है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातों का भी हमें सामना करना होता है। परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति माना ही जो बाहर से आती है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, पर मन शक्तिशाली है। मन परिस्थिति के प्रभाव में नहीं है, मन स्टेबिलिटी से हर सीन को क्रॉस कर सकता है, हर परिस्थिति को फेस कर सकता है, उसको कहेंगे इमोशनली इंडिपेंडेंट। इमोशनली लेवल पर फ्रीडम माना, मैं जो सोचना चाहूँ सोच सकूँ, जो फील करना चाहूँ फील कर सकूँ, सीन्स मेरे मन को प्रभावित नहीं करती हैं। पर अभी तो हम कहते क्या करें, ऐसा हुआ ना इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। यहाँ तक कि लोगों पर भी हमारा मन बहुत डिपेंडेंट होता है, किसी की छोटी सी बात, किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया, कोई थोड़ा सा रूड था, किसी ने थोड़े से इंसल्ट कर दी, हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया, थोड़ा सा कुछ गलत कमेंट लिख दिया, बहुत बुरा लगता है, हर्ट हो जाते हैं। कहीं कहते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। अगर हमें किसी की छोटी सी बात भी इतना बुरा फील कराती है, तो ये भी तो सोचने की बात है ना कि हम इतने इमोशनली वीक हैं कि कोई भी हमें प्रोवोक कर सकता है, कोई भी कुछ कह कर के मुझे बुरा फील करा सकता है। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, क्योंकि लोग कैसे बिहेव करेंगे वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। अगर वो ठीक रीति से बिहेव नहीं करते हैं, कोई गुस्सा करता है, कोई लेट आता है, कोई बात नहीं मानता है, तो वो उनके संस्कारों का रिफ्लेक्शन है, वो उनके संस्कार हैं। लेकिन उनके संस्कारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, माना संस्कार उनके और सफ़र मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। उनके संस्कार उनको इतनी सफरिंग नहीं दे रहे, वो अपने संस्कारों से कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग है कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, और जब लोग मेरे अनुसार बिहेव नहीं करते या मेरे अनुसार नहीं बोलते, तो मुझे इतना बुरा लगता है। कोई भले मेरे से ठीक से बात नहीं करता,
लेकिन मैं तो अपने से ठीक से बात कर सकता हूँ ना, मैं तो अपना मन का मालिक हूँ ना। आज कोई मेरे से ठीक से बात नहीं करता या मेरी निंदा कर देता है और फिर मैं सोचने लगता हूँ इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये कोई बात करने का तरीका है, ये अपने को समझते क्या हैं, अब तो जीवन में हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, मुझे इनका चेहरा ही नहीं देखना है, मुझे दोबारा इनसे बात ही नहीं करनी है, ये सब कौन सोच रहा है। सीन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो मुझे क्या बोलते हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर मैं अपने से कैसे बात करता हूँ वो तो मेरे कंट्रोल में है ना। लेकिन मैं अपने मन का मालिक नहीं, उस समय मन का गुलाम होता हूँ। देश आज़ाद है या मैं आज़ाद हूँ, कि मैं आज भी लोगों का या परिस्थितियों का गुलाम हूँ? क्या उनकी कही हुई बातों का इतना प्रभाव पड़ता है कि मैं यहाँ गलत सोचना शुरू करता और वो गलत सोच धीरे धीरे मुझे उदास कर देती है, निराश कर देती है, गुस्से में ले आती है, नफ़रत पैदा करती है? लेकिन ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइस है। उनको चेंज नहीं कर सकते, और कितनों को चेंज करेंगे? कितने सारे लोग, कितने सारे संस्कार, एक एक को चेंज करने जाएं, कितनी मेहनत है। सारा जीवन डरते रहें कहीं ये गलत ना करें, कहीं ये गलत नहीं करें, फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, फिर एक्सपेक्ट करें कि वो हमें सॉरी बोलें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जगह अपना ध्यान दें, अपने मन का मालिक बने। जो सोचना है, जो फील करना है, वो मेरी चॉइस है, मालिक हैं। आप देखो, जैसे फिजिकली कोई स्ट्रॉन्ग होता है ना, अभी वातावरण में वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है, लेकिन सबको वायरल नहीं लगता है। जो फिजिकली वीक होता है, डॉक्टर कहते हैं ना इसकी इम्यूनिटी कम है, इसलिए उसके ऊपर बीमारी का प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे अगर हमारी इमोशनल इम्यूनिटी कम है, हम मन से कमज़ोर हैं, तो ये भी वायरल की तरह होता है। गुस्सा, किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं करी, हमें भी गुस्सा आ जाता है, माना उसके नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाता है, वो वायरस यहाँ से एकदम हमारे ऊपर प्रभावित कर जाता है। लेकिन ये इस चीज़ का साइन है कि हम मन से कमज़ोर हैं। अगर हम शक्तिशाली होंगे तो लोगों के व्यवहार का, लोगों की बातों का, लोगों के संस्कारों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो राइट है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे ऊपर उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, हमारे कर्म ठीक होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, तो ही सही अर्थों में हम फ्री हैं। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए थोड़ा समय निकालें। जैसे किसी को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना होता है तो रोज़ अच्छा खाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ज़रूरी है हर रोज़ कुछ अच्छा सुनें, कुछ अच्छा पढ़ें, थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। बार बार ये अपने को नहीं कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब हम बार बार अपने को कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो कैसे, जैसे हम किसी को कहते हैं कि आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम जैसे उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हमें उनकी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही बार बार अपने को कहना कि मेरे लिए, अपने लिए टाइम नहीं है, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए टाइम नहीं है, ये भी जैसे अपने को डिसरिस्पेक्ट करना है। तो अपने लिए समय निकालें। जब हम शक्तिशाली बनते हैं तो बहुत कम समय में हम बहुत कुछ कर पाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम जीवन का सुख ले पाते हैं। नहीं तो सारा समय हमारी मन की स्थिति डिपेंडेंट रहती है, या तो परिस्थिति पर या दूसरे लोग पर। तो आज अपने से प्रॉमिस करें, आज के दिन, आज स्पेशल डे है, अपने से प्रॉमिस करें, जैसे सभी लेवल पर मुझे इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है, ऐसे मैं अपने लिए समय निकाल कर इमोशनल लेवल पर भी इंडिपेंडेंट बनूंगा, अपने मन का मालिक बनूंगा, कि किसी का भी मेरे ऊपर प्रभाव ना पड़े। ओम शांति।